दोस्तों आज इस वीडियो में बात करते हैं नार्जो 20 एंड Redmi 9 Power के हार्डवेयर के बारे में। देखते हैं इन दोनों डिवाइसेस में से किस डिवाइस का हार्डवेयर ज्यादा पावरफुल है या फिर किस डिवाइस का हार्डवेयर किस कंडीशन में कैसा परफॉर्म करता है। इसके लिए मैंने किया है इन दोनों ही डिवाइसेस के बीच एक स्पीड टेस्ट, और इस स्पीड टेस्ट के लिए मैंने किया है यहां पर एक N22 बेंचमार्क का टेस्ट। दोनों ही डिवाइसेस के स्कोर्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस आपको दोनों ही डिवाइस पर देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Redmi 9 Power में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर, वहीं Narzo 20 में आपको मिलता है Helio G85 प्रोसेसर। यहाँ पर इस वीडियो में Narzo 20 का मैंने यूज किया है 4GB RAM 64GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन, वहीं Redmi 9 Power का मैंने यूज किया है 4GB RAM 128GB इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन। तो चलिए टेस्ट करते हैं शुरू। तो दोस्तों टेस्ट हो चुका है फिनिश स्कोर से आपकी आंखों के सामने। अब यहाँ पर अगर दोनों ही डिवाइसेस के स्कोर्स पर नजर डालें तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। Narzo 20 का टोटल है 204453, वहीं Redmi 9 Power का है 183510। सबसे पहले बात करते हैं CPU स्कोर्स की। तो Redmi 9 Power का स्कोर है 71596, वहीं Narzo 20 का है 73272। यानी कि कॉमन यूज की बात करें या फिर CPU परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इन स्कोर्स के मुताबिक देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर इस वीडियो की बात करें जो दोनों ही डिवाइसेस के N22 बेंचमार्क टेस्ट में UI वाले पार्ट में रिकॉर्ड किया गया है तो यहाँ पर डिफरेंस आप साफ देख सकते हो। Narzo 20 पर Redmi 9 Power के कंपैरिजन में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। स्क्रोलिंग में यहाँ पर अगर लैग की बात करें थोड़ा बहुत लैग आपको Narzo 20 पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर उसे Redmi 9 से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ Narzo 20 की परफॉर्मेंस बेहद स्मूथ है। यानी कि कॉमन यूज में हालांकि Redmi 9 Power भी ठीक ठाक है, वहां भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो वहां Narzo 20 Redmi 9 Power से बहुत ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं गेमिंग स्कोर्स की। तो Redmi 9 Power का स्कोर है 33891, वहीं Narzo 20 का है 43399। यानी कि यहां पर Narzo 20 कंप्लीटली Redmi 9 Power से बेहतर है गेमिंग परफॉर्मेंस में N22 बेंचमार्क के इन स्कोर्स के मुताबिक। अब यहां पर ये कुछ वीडियोस हैं जो दोनों ही डिवाइसेस पर N22 बेंचमार्क टेस्ट करते समय गेमिंग या फिर कहीं GPU वाले पार्ट में रिकॉर्ड किए गए हैं। अब ये हाई डेफिनेशन के 3D वीडियोस हैं। अब यहाँ पर अगर इनको कंपेयर करें तो आप क्लियरली देख सकते हो Narzo 20 पर ये वीडियो काफी स्मूथ रन हो रहा है एज कंपेयर टू Redmi 9 Power। यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस में यहाँ Narzo 20 कम्प्लीटली Redmi 9 Power से बेहतर है, स्कोर्स के मुताबिक भी और प्रैक्टिकली भी। लो ग्राफिक्स गेमिंग आप दोनों ही डिवाइस पर बड़े आराम से कर सकते हो, वहाँ आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बात करें अगर मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग की तो वहाँ Narzo 20 Redmi 9 Power से बहुत ज्यादा बेहतर है। हाई ग्राफिक्स गेमिंग में आपको दोनों ही डिवाइसेस पर लैग देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मेमोरी स्कोर्स यानी कि रैम एंड रोम स्कोर्स की। तो टोटल अगर मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो Redmi 9 Power का है 44637, वहीं Narzo 20 का है 45710। यानी कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों ही डिवाइसेस के टोटल में देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर एक्सपेंड करें तो वहां पर रैम मैनेजमेंट में Narzo 20 Redmi 9 Power से बहुत ज्यादा बेहतर है। वहीं Redmi 9 Power की बात करें तो यहाँ पर यूज किया गया UFS 2.1 एंड 2.2 का स्टोरेज टाइप, तो यहाँ पर स्टोरेज की रीड स्पीड Narzo 20 से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो यही था मेरा Narzo 20 एंड Redmi 9 Power के बीच स्पीड टेस्ट। कॉमन यूज की बात करूं Narzo 20 बेहतर है, गेमिंग के लिए भी Narzo 20 बेहतर है, मल्टीटास्किंग में भी Narzo 20 बेहतर है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो हार्डवेयर में Narzo 20 कंप्लीटली Redmi 9 Power से बेहतर है। तो दोस्तों मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन इन दी। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।